हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल होता है तो वो दो टाइप से बिहेव करता है। कभी वो वेव की तरह बिहेव करता है और कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। या हम दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि हर एक मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, जिसको हम मैटर वेव बोलते हैं या फिर डी ब्रोगली वेव बोला जाता है। तो जो वेवलेंथ एसोसिएटेड उसके साथ होती है उसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल समटाइम एक्ट्स एज ए वेव एंड समटाइम एक्ट्स एज ए पार्टिकल, या वेव इज एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल विच कंट्रोल्स द पार्टिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है मटेरियल पार्टिकल के साथ उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव। एंड द वेव लेंथ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इस इक्वेशन के अंदर जो एच है ये क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एंड एम इज द मास ऑफ पार्टिकल एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब जो ये इसकी जो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी है इसकी डेरिवेशन करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ रखा है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है, इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच न्यू, हेयर एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। यहां मेंशन कर सकते हैं प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन होती है एनर्जी की वो क्या होती है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो सपोज दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज टू, अगर वन और टू को हम कंपेयर करते हैं तो एच न्यू इज इक्वल टू क्या है, एम सी स्क्वायर। यहां से एम की वैल्यू फाइंड आउट करो, एम इक्वल टू आ जाएगा एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। अब जो फोटोन है हर एक फोटोन की वेलोसिटी सेम है तो इट मीन्स उसका मोमेंटम भी क्या होता है, सेम। तो मोमेंटम ऑफ द फोटोन, मोमेंटम पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो एम की वैल्यू यहाँ पे गिवन है एच न्यू डिवाइड बाय सी स्क्वायर, एंड वेलोसिटी कितनी है, फोटोन की वेलोसिटी कितनी होती है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास एच न्यू बाय सी। इसके बाद क्या करना है, एच को हम ऊपर रखते हैं, जो फ्रिक्वेंसी न्यू है उसको हम डिनोमिनेटर में लेके आते हैं सी बाय न्यू, और सी बाय न्यू इज इक्वल टू लैम्डा एच अपॉन लैम्डा। ये इक्वेशन पढ़ रखी है हमने, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, यहां से अगर हम सी बाय न्यू करते हैं तो क्या होती है, वेवलेंथ के इक्वल होती है, ये हमें पहले से पता है। तो ये हमने यूज किया यहाँ पे, तो मोमेंटम आ गया हमारे पास पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। हमने वेवलेंथ की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, इट मीन्स लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी। लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी, या मोमेंटम को अगर हम मास इनटू वेलोसिटी यहां लिखते हैं तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगेन इसको हम देख लेते हैं कहां से स्टार्ट करना है हमने, ये कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या होती है, एच न्यू, हेयर एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। अब आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन होती है एनर्जी की इक्वल टू एम सी स्क्वायर, कंपेयर करते हैं दोनों को, एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यहां से मास आ जाएगा हमारे पास एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या आ गया, पी, क्या होता है, पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, पुट वैल्यू ऑफ मास एच न्यू बाय सी स्क्वायर, वेलोसिटी सी क्योंकि फोटोन की वेलोसिटी सी के इक्वल ही होती है, सी से एक सी कैंसिल, एच न्यू बाय सी। तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम नीचे डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये हो गया एच बाय लैम्डा एंड पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा हमारे पास आ गई एच बाय पी या फिर एच बाय एम वी। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन के अंदर अगर हम वेलोसिटी को जीरो पुट करते हैं, इफ वी इक्वल टू जीरो, अगर वी को हम जीरो पुट करते हैं तो यहां से लैम्डा क्या आ जाती है, इन्फिनिटी। ठीक है,
बिकॉज लैम्डा इक्वल टू क्या है, एच अपॉन एम वी, अगर वी को जीरो पुट करेंगे तो लैम्डा क्या आ गई, इन्फिनिटी। ठीक है, अगर वी को हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो लैम्डा क्या आ जाती है, जीरो। क्लियर? तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगी, अगर पार्टिकल मोशन में होगा तो ही वेव एसोसिएटेड होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो जो मटेरियल पार्टिकल है वो चार्ज्ड होना जरूरी नहीं है, यानी वो अनचार्ज्ड होगा, बट अगर मोशन में होगा तो भी उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी और एक डी ब्रोगली वेवलेंथ भी एसोसिएटेड होगी। इट मींस यहाँ से क्या रिजल्ट निकला है कि जो डी ब्रोगली वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। और यहाँ पे हमें क्या है, क्या कंक्लूजन मिला है कि जो पार्टिकल है उसका चार्ज होना जरूरी नहीं है, सिर्फ उसका मोशन में होना जरूरी है। क्लियर? तो यहां से हम लिख सकते हैं इट मीन्स मटेरियल पार्टिकल मे बी चार्ज्ड और अनचार्ज्ड। ओके, अब इसी के अंदर एक छोटा सा है, रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा में और टी टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? तो हमने 11th क्लास में एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाली यूनिट पढ़ी हुई है, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एट ए गिवन टेम्परेचर टी कितनी होती है, के इज इक्वल टू 3/2 के टी, ये स्मॉल की होता है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्लियर? तो पार्टिकल का मास कितना है एम और वेलोसिटी वी, तो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद पार्टिकल के इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। बोथ आर काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, अगर इस इक्वेशन में हम क्या करें, एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एम से डिवाइड कर देते हैं, एम के इज इक्वल टू 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर, और ये एम के इक्वल आ जाएगा, तो मोमेंटम का स्क्वायर इक्वल टू 2m के एंड मोमेंटम इक्वल टू अंडर रूट 2m इनटू के। तो इसको हम यहां लिख सकते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी इट इक्वल टू अंडर रूट 2m इनटू के। क्लियर? तो अंडर रूट 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू टेम्परेचर की टर्म्स में अगर पुट करें 3/2 के टी। क्लियर? यहां से 2 से 2 कैंसल, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3m और के टी। क्लियर? इट मींस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, तो ये क्या आ जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट 3m और के इंटू टी। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ टेम्परेचर की टर्म्स में भी आ जाती है, कई बार ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। क्लियर? तो इसको भी नोट कर लेना, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।